सितंबर माह 2023 का भविष्यफल, महीने के 30 दिन कैसे बीतेंगे, सितंबर माह में कैसी रहेगी सेहत, काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की, होगा अपार धन लाभ या फिर आएगी गरीबी, भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे, रिश्तों के लिए कैसा बीतेगा सितंबर माह, धर्म ज्ञान पर देखिए सितंबर मासिक राशिफल 2023। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम स्टूडियो से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है इस बार सितंबर माह का मासिक राशि फल। आपको बताएंगे कि सितंबर माह में जो जो ग्रह नक्षत्रों की जो चाल में जो बदलाव हो रहा है, वो इन आने वाले यानी कि सितंबर माह में किन चार राशियों की जिंदगी में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि सितंबर का ये महीना आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से आपको क्या नया देकर जाएगा, क्या खास देकर जाएगा, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले सितंबर की शुरुआत कैसी रहेगी, किन ग्रह गोचर की स्थिति को लेकर, ये जानना चाहूंगी। देखिए, सितंबर मास जो है बड़ा घटनाक्रम वाला साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने में बृहस्पति जो गुरुदेव हैं वो 4 सितंबर को वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे जी। और 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे 4 महीने ऑलमोस्ट वक्री रहेंगे। शुक्रदेव जो है वो 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि में, और उसके बाद बुध जो है 16 तारीख को मार्गी अवस्था में आएंगे। तीसरा परिवर्तन ये होगा। चौथा परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन हर माह होता ही है, तो 17 तारीख को वो भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल की प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और अगर बात करें उसके बाद बुध भी जो है वो मार्गी चाल चलना शुरू कर देंगे, शुक्र भी मार्गी चाल चलेंगे, तो इनका परिवर्तन नहीं होगा। मेन जो है बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह जो है बड़ा ज़बरदस्त असर डालेंगे, और ख़ासकर बृहस्पति भी वक्री होंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन 4 राशियों के ऊपर, ये आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आइए राशियों पर चलते हैं। राशियों से जुड़े जातकों के बारे में हम जानेंगे, आने वाला भविष्य उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, मेष लगन वाले लोगों के बारे में बताइए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, संतान सुख की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, और आपका नई नौकरी के योग बन रहे हैं, नए कार्य की शुरुआत करनी हो तो बहुत ही अच्छा है ये। कुल मिलाकर धन दौलत की वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। और छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, अगर बात करें आपके फाइनेंस की तो उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। और कोई घर लेना चाहते हैं आप या वाहन लेना चाहते हैं तो इसका भी योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर का माह जो है किसी वरदान से कम नहीं है, जो चाहते हैं वो उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेगा वृषभ की, तो इनके लिए कैसा आने वाला समय। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें वृषभ राशि वालों इस महीने, शुरुआती 15 दिन तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके काम कारोबार में धीरे धीरे ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है जी। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय अभी आपके लिए उत्तम नहीं है, इस समय आपको रुकना होगा। धन खर्च इस माह अधिक होता हुआ नजर आ रहा है, भोग विलासा पर बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, उसको बचना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा तो आपका बजट जो है इस महीने बिगड़ सकता है। धन लाभ के लिए ये समय सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, सेहत में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्रोध की अधिकता से बचें, यानी कि शुरुआती 15 दिन जब तक सूर्य और शनि का समसप्तक योग है तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है सितंबर में, उसके बाद का समय जो है आपके लिए वो बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय जो है, ये जो महीना है, काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मार्क्स जो अच्छे आएंगे, या कोई अगर टेस्ट, कोई इंटरव्यू है तो सफलता मिल जाएगी। मिथुन राशि के लिए सितंबर खास क्या लेकर आ रहा है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर की स्थिति जो है सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, सूर्य उनको पराक्रम में वृद्धि देंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, काम कारोबार में लाभ मिलेगा, व्यापार में अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, और आपकी राशि के जो स्वामी है वो मार्गी चाल चलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये महीना धन दौलत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा,
आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है मिथुन राशि वालों का। काम कारोबार में भी स्थिरता रहेगी, यानी आपके अगर नौकरी में या व्यवसाय में कोई अड़चन या रुकावटें जो पिछले महीने थी तो वो इस माह दूर होती हुई नजर आ रही है। अचानक से सारे कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन अंतिम 15 दिनों में पेट संबंधी रोग से परेशान भी रह सकते हैं। तो खान पान पर संयम बरतेंगे तो कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं बनेगा। जिन लोगों को हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की समस्या है उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब तक हमने मेघ जी से देखे मेष, वृषभ, मिथुन, इन तीन राशियों से जुड़े जातकों के बारे में जाना कि इनके लिए सितंबर की जो शुरुआत है वो कैसी रहेगी। अब अपनी अगली राशि यानी कि कर्क के बारे में जानेंगे कि कर्क के लिए इस माह क्या कुछ नया है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये माह धन लाभ के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धन संचय होने के योग भी बन रहे हैं मगर खर्च भी होगा, तो इसलिए दोनों योग बराबर बने हुए हैं। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही जबरदस्त रहेगी, जिसके चलते आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य धन स्थान में है जो अच्छा लाभ देंगे। गुरु की प्लेसमेंट भी अब आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगी, यानी कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रमोशन होगा, धन लाभ होगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें कर्क राशि वालों, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन संबंधी निवेश करते समय 100 बार सोच कर निवेश करें, या अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि शनि की ढैया भी है और अशुभ समय, अशुभ दशा चल रही हो तो ये पैसा फंस भी सकता है। तो थोड़ा संभल कर चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, छात्रों को शिक्षा परीक्षा में लाभ मिलेगा, कहीं एडमिशन लेना है तो वो भी समय आपके लिए अच्छा है। नए कार्य की शुरुआत करनी है तो अभी थोड़ा सा कर्क राशि वाले रुक के चलें, तो इस महीने नए कार्य की शुरुआत ना करें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं जी देखिए, ये तो आपने बताया कि इस बार सितंबर का महीना मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से। अब मैं आपसे सिर्फ जाते जाते जानना चाहूँगी कि इन चारों राशियों से जुड़े जातकों को इस माह क्या कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से उनको किसी भी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी जी। और जितना ज़्यादा हो सके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अपने घर में करवाएं या खुद एक बार करें, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी या सफ़ेद चंदन का तिलक माथे पर या छाती पर लगाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बलवान है तो आप एक पुखराज नग भी धारण कर सकते हैं, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होगी। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों को इस समय क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा, और हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। सूर्य देव को जल दें, उनकी आराधना करें, ओम आदित्य नमः का जाप करेंगे तो आपके लिए किसी भी तरह की जो परेशानी या कष्ट कोई आ रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनि के कारण कोई परेशानी है तो शनिवार के दिन सरसों का तेल और 5 बादाम जो है शनिदेव को चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। परेशानी से मुक्ति पाने के लिए मिथुन क्या करें। मिथुन राशि वालों के लिए हालांकि कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है इस समय, स्थितियां ग्रहों की उनके पक्ष में हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी समस्या रह रही है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना इस महीने सबसे उत्तम रहेगा जी। और शिव चालीसा भी पढ़ेंगे तो मानसिक तनाव अगर थोड़ा बहुत बना हुआ है तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि शनिदेव की निरंतर आराधना करें। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनिदेव के व्रत हो सके तो बहुत ही अच्छा है। शनिदेव को सरसों का तेल, काले उड़द और काले चने या 5 बादाम चढ़ा के आएंगे मंदिर में तो विशेष लाभ मिलेगा। शनि स्त्रोत का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे रोजाना 108 बार तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है तो भगवान शिव की आराधना करना इनके लिए निरंतर ही अच्छा रहता है जी, जिससे कि इनको किसी भी तरह के कष्टों से मुक्ति मिले। और हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे तो उनको कार्य क्षेत्र में धन लाभ की वृद्धि भी होगी। तो ये हमने मयंक शर्मा जी से चंद्र राशि के आधार पर ये जाना कि सितंबर की ये शुरुआत, पूरा का पूरा ये महीना आप लोगों के लिए कितना खास है और क्यों खास है, खासकर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से जुड़े जातकों के लिए। इसी के साथ मुझे और मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।